आखिरी स्टेशन से लेके अब तक आपने वेट बहुत लूज किया है, सो बॉडी शेमिंग आपकी भी हुई? बहुत वेट लूज किया था, अब तो बेहतर हो गई हूँ, हेल्दी हो गई हूँ शुक्र है. बहुत ज़्यादा हुई. आई वॉज वेरी इनसिक्योर अबाउट माई वेट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी. शुरू शुरू में तो बहुत सुनने को मिलता था वेट लूज किया तो लोगों ने कहा इतना वेट क्यों लूज कर लिया, कुछ तो होते ही नहीं है लोग. खैर इसलिए मैं बॉडी पॉजिटिविटी पे कम बात करती हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल हो जाता है कि मैंने खुद इसके सामने हार मान ली. तो क्या काम नहीं मिल रहा था इस वजह से? काम मिल रहा था, बस बातें सुन सुन के थक गई थी. बट अब तुम्हारे ख्याल से ये टाइम नहीं आ गया कि कवि शुड बी? आ गया. इन मैं बिल्कुल स्किनी नहीं हूँ, मैं आई एम कर्वी. ओके, मुझे पसंद है. आई एम नॉट, आई डोंट थिंक, मुझे कभी कभी होता है कि मैं वेट लूज कर लूँ अभी भी. हाँ, तो ये प्रेशर की वजह से या अपने लिए? अपने लिए. काम तो मुझे बाल कटवाने से पहले बहुत मिल रहा था. अपने लिए. मुझे एक और बात बताओ, क्या इतना काम अब मिल रहा है कि एक इंसान शोबिज में आके सरवाइव कर सके, कि अभी भी ये सोचना पड़ता है कि ओ असल में आप क्या? अगर अपना अपने पैसे फिजूल चीजों पे ना फेंके हर इंसान, नहीं कोई लोग लकी होते हैं कोई लोग नहीं होते, बट आई थिंक बैकअप प्लान जरूरी है. आप बहुत डिस्पोजेबल हो इस इंडस्ट्री में, तो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इतनी जो मेहनत करनी पड़ती है, आर यू रेडी टू डू दैट? मेहनत तो नहीं, मैंने मेहनत नहीं की है, आगे तो अगर सर्वाइव करना है इसी में रहना है तो. मैं तो आजकल सोशल मीडिया पे प्रमोशंस और फंक्शंस अटेंड करना और हर वक्त बी देयर, ये काफी टायरिंग नहीं? पता नहीं, आई डोंट थिंक मैं रेडी हूँ, मुझे नहीं लगता. देखते हैं क्या होता है. मुझे तो लोग कहते रहते हैं तुम ऐसी लाइक सोशल मीडिया पे कि तुम रेलेवेंट रहने के लिए बातें करती हो. मैं भाई अच्छा, स्पीकर अगेंस्ट हरासमेंट, वो ये रेलेवेंट रहना चाहती है इसलिए करी है. भाई आपके एक आपका मॉरल कंपास बहुत आउट है अगर आपको लगता है कि इस पे बोल. एग्जैक्टली. अच्छा कभी कुछ इनडिसेंट कोई तुम्हारे साथ कोई हरकत इस फील्ड में हुई? या इस फील्ड में होने की वजह से लोगों ने अज्यूम कुछ किया? मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं, 5 लाख, 1 लाख, इनडिसेंट प्रपोजल्स आते हैं. मैं कहा 20 लाख देना, मजाक कर रही हूँ. 20 पे कम है मान. मुझे अपनी एक कंपनी दे दे. मैसेज बहुत आते हैं मुझे, नहीं मेरी सारी दोस्तों को आते हैं, सारे जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं उनको आते हैं. बहुत ऑफर्स आती हैं, आई रन एस्कॉर्ट बिजनेस. अच्छा, गुड फॉर यू, गुड फॉर यू, ग्रेट. मुझे वैसे क्या, मैंने क्या ऑफेंड होना है? मैंने तो बस ना कर देनी है, बस ख़त्म बात. लेकिन होता है, होता है, होता है, होना नहीं चाहिए. बिकॉज वही आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना लोगों को, बेचारे जो बहुत सारे जो शायद हो भी जाते हैं. आई थिंक एक्सप्लॉइटेशन बहुत है इस इंडस्ट्री में, है बहुत सारा. सेक्सुअल भी है और वैसे भी हम लोग नई लड़कियों को, आपकी जो अनस्किल्ड लेबर है आप उनको इतना एक्सप्लॉइट करते हो, इतना. मॉडल्स को पेमेंट्स मिलती नहीं है, सोचो जो दर्जी वगैरह उनको मिल रही है, नहीं आई एम श्योर नहीं मिल रही. क्या वजह है इसकी? नोबडी टेक्स इट सीरियसली. क्या वजह है? गुची के बैग्स वो लेने गुची के बैग्स हैं, प्रॉपर्टी खरीदते रहो खरीदते रहो. भाई क्या करना है, कितनी चाहिए? लोगों को पैसे नहीं दे रहे हो और अपने लिए खरीदते जा रहे हो. सो अपने आपको एज एक्टर क्या रेट करते हैं? पता नहीं, रेट का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहती हूँ देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. ओके, तो मेरा मसला ये है कि मेरा लहजा इतना अच्छा नहीं है उर्दू का, तक ना अंग्रेजी का ना उर्दू का. बहुत कुछ सीखने को है.
अच्छा, मुझे सरमल बता रहे थे कि रैंडमली कोई एक्सरसाइजेस हो रही हो एक्टिंग की, कोई वर्कशॉप्स हो रही हो, तो तुम बगैर बताए वहाँ पहुँच जाती है? पहुँच जाती हूँ, एक ही दफ़ा हुआ है, दो दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा सरमल के साथ नहीं था लेकिन मैं यहाँ पहुँच गई थी। तो सीखने का भी शौक है? सीखने का शौक है, बहुत शौक है। ओके, अच्छा मुझे बताओ कि मेकअप ना करके शूट्स करना, बाल छोटे कटवा लेना, कितना रूम है तुम्हारी तरह की मॉडल का हमारे मुल्क में? ये तो आपको इंडस्ट्री बताएगी ना, लेकिन फिर चेंज हमने ही लाना है। रूम मैं बनाऊंगी। तुम्हारे पास अभी इतनी अथॉरिटी है कि यू कैन टेल देम कि नहीं मैंने ये मेकअप नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, क्योंकि मॉडल इज सपोज टू के वो चले गए। मैं एक हमेशा कहती हूँ मेरे मुंह पे काम किया करें, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता मेकअप। मुझे मेकअप से मसला नहीं है, मुझे उन लोगों से मसला नहीं है जो ज़्यादा मेकअप करते हैं। अपना हर किसी का अपना वो है। मुझे होता है कि बस मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता। बट यू मेक श्योर कि तुम्हारी जो अपनी पर्सनल तस्वीरें होती हैं तुम लगाती हो ऐसी कि जिसमें तुम्हारा मेकअप ना, तुम्हारे डार्क सर्कल्स भी नज़र आ रहे हो। सो और तुम्हारी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। जी, काफ़ी फैन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं सारे। मुझे कभी कोई कुछ आके बुरा कहता, मुझे अपने आप को डिफेंड ही नहीं करता पड़ता, क्योंकि बाकी आ जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग किस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं? लोगों को कोई बात नहीं चाहिए क्रिटिसाइज करने के लिए। कल को मैं सर पे दुपट्टा लेके बैठ जाऊँ, वो फिर भी बोलेंगे। लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हैं सारे। आपकी पूरी गाँव में आपकी इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशंस हैं और बहुत सी फ्रस्ट्रेशंस हैं। इतना कुछ करने को नहीं है, करने को तो बहुत है, लेकिन बस अब जमाना ही हुई है स्क्रीन के बैठ के पीछे बैठ के बस कहते रहो कहते रहो कहते रहो। तो सोशल मीडिया के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं? एज फार एज काम का वो है, बहुत फ़ायदा है। आपको काम ही आपके सोशल मीडिया से मिलता है। बहुत अच्छे दोस्त भी बने हैं मेरे सोशल मीडिया पे, रैंडम लोग। नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। विथ कॉल आउट कल्चर और कैंसिल कल्चर और कोई किसी को छोड़ता नहीं है अब। देयर आर नो रूम्स फॉर मिस्टेक्स। सो मैं कहती हूँ गलतियाँ हर किसी से होती हैं। मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं। मैं कभी कभी बहुत गलत बातें कह जाती हूँ, बट यू हैव टू ओन अप टू देम। एक सॉरी बहुत आसान है, फिर यू नो नॉट टू डू दैट अगेन। मुश्किल काम नहीं होता। अगर मेरी गलतियाँ हैं सही, बस अपोलोजाइज फॉर इट एंड डोंट डू इट अगेन। अच्छा, सड़कों पे हरास कैसे होता है अब आजकल के बच्चों के साथ, क्या हो रहा है? बिकॉज अब हमारे तो ये एक्सपीरियंस ख़त्म हो गया। सबको पता है किस तरह होता है, लाइक अभी तक सही बात है, अभी तक चलता रहेगा। किस तरह हरास होता है मैं बता सकती हूँ कि कहाँ कहाँ मेरे हाथ मारा हुआ है? मैं बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती। आई डोंट थिंक मैं इस शो पे बोल सकती हूँ कहाँ कहाँ हाथ मारा हुआ है, क्या क्या पकड़ा हुआ है। एंड हाउ डू यू रिएक्ट टू इट देन? डू यू फाइट ऑन द स्ट्रीट? अब मैं लड़ती हूँ। पहले मैं फ्रीज हो जाती थी, क्योंकि आपको समझ ही नहीं होता ना क्या क्या, क्या हुआ है। एकदम से होता है, आधे से ज़्यादा वक्त क्राउड में तो पता भी नहीं चलता किसने किया है। क्राउड ना हो तो पता चल जाता है। अब मैं बोल देती हूँ। एक ट्वीट थी आपकी कि एवरी टाइम आई हैव स्टॉप बाय द पुलिस द ओनली रिस्पॉन्स दे हैव टू माय ड्यूमरल इज, आपको नहीं पता इस टाइम पर किस किस्म की औरतें आ जाती हैं। ये क्या हुआ? बहुत दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा नहीं हुआ। इस दफ़ा मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था। मैंने कहा अच्छा वही ना सोशल मीडिया पर गुस्सा निकलता है लोगों का। मैं इस तरह निकालती हूँ, मेरे वर्किंग आवर्स बहुत अजीब होते हैं। सुबह चार आपको तो पता होगा जी। तो बस जा रही थी, गाड़ी में बैठी हुई थी, सामने गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठी थी, रोका। जब से बाल कटवाए और रोकना शुरू हो गया, लेकिन लंबे बालों के साथ भी ये हुआ है। बस पुलिस रोक के कहती है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या मसला है? मैंने कहा काम पे जा रही हूँ। कहते इस टाइम पे कौन सा काम होता है? मैंने कहा मेरा काम होता है। तो कहते अपना बैग चेक कराएं। मैंने कहा क्यों, मैंने कुछ गलत किया? मैंने कहा नहीं आप बैग चेक कराएं। मैंने कहा मैंने नहीं कराना। उन्होंने कहा आप कराएं। मैंने कहा अच्छा। अब मेरे बैग में सारी पर्सनल चीज़ें थी, क्योंकि आपको लेके जानी पड़ती हैं फॉर अ शूट। मैंने निकालनी शुरू की,
मैंने कहा ये है, ये है, ये है। उन्होंने मुझे देखा पुलिस ऑफिसर ने, उन्होंने कहा बेटी तहजीब। और मैं बस उस पॉइंट में बस उनको स्माइल करके देख लीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। आपने खुद मुझे कहा है कि बैग चेक करा और अंदर से मेरी पर्सनल अंडरगारमेंट्स निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं तहजीब। What do you have to say to them? What do I have to say to them? पुलिस को? पुलिस को मैं क्या कहूँ कि भाई, तो क्या कहूँ मैं उनको कि बस ये एक्सरसाइज ऑफ पावर जो है ना, ये छोड़ दें, छोड़ अननेसेसरीली। मिस द टाइम एंड माई ओनली वरी इन लाइफ वॉज टू समहाउ गेट माई नेम रिमूव फ्रॉम द इस्लो स्लट लिस्ट।